हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज डिफाइन। सो गेस व्हाट, आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। चले मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। आज मैं एक ज़बरदस्त सी सेटिंग लेकर आया हूँ एंड्रॉयड, ये स्पेशली नोट सीरीज़ के मोबाइल में है MI। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे आज SOS इमरजेंसी सेटिंग। अगर आप किसी क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं और आप कॉल सडनली नहीं कर पाते हो, तो बस आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप पावर बटन को 5 से 6 टाइम तक दबाएँ और आपका इमरजेंसी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, आप जाएं सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आप शेयरिंग में जाएं, पासवर्ड सिक्योरिटी में, उसके बाद आप इमरजेंसी SOS पर क्लिक करें। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट आप इसे एक्टिवेट कर दो, सर ये आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछेगा, जैसे कि आप फायर ब्रिगेड और आप पुलिस स्टेशन या कोई आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो घर में फैमिली में, आप उसे भी ये भेज सकते हैं। देन जब आप ये सेलेक्ट कर लोगे तब ये आपसे अलाउ करेगा, यानी कि आप इन बंदों को पहले ही बता दें कि आप इनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 5 टाइम आपको इमरजेंसी बटन प्रेस करना है और आपकी इमरजेंसी सिचुएशन शुरू हो जाएगी। उसके पास आपकी कॉल हिस्ट्री भी पहुंच जाएगी जो 1 से 1.5 घंटे की बीच में होगी, जिससे आपने लास्ट टाइम कॉल किया होगा। सो फ्रेंड्स, ये इमरजेंसी इतने काम की है कि आपको मोबाइल खोलने की ज़रूरत नहीं, ना लॉक खोलें, डायरेक्ट इमरजेंसी सेंड कर सकते हैं। चले आपको दिखाता हूँ। सो SOS इमरजेंसी एक्टिवेट होने वाली है, जैसे ये कंप्लीट होगा आपकी लोकेशन आपके फ्रेंड्स, पुलिस कॉन्टैक्ट, फायर ब्रिगेड तक पहुँच जाएगी। मैंने इसे बंद कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और मोर कंटेंट के लिए हमें थॉट्स फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।